चारा कैसा रहता है। भालू खाता है वही, भालू का खाना मिल गया है मुझे और आप सबको दिखाने वाला हूँ। नहीं जानते हो तो ज़रूर देखना, हमारे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अभी मुझे काम करते हुए ज़मीन के अंदर से मिला है भालू का नाश्ता, चलो दिखाता हूँ आप सबको। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुबह हो गया है दोस्तों और मैं अभी हमारे गांव में एक छोटा नाला है इधर आया था, मैं गया था दोस्तों और हमारे ब्लॉग पर बने रही दोस्तों। मैं इधर दिखाने वाला हूँ, बंदर बहुत घूम रहा है इधर, देख सकते हो बंदर का पूरा झुंड आ गया है वहाँ पर, देख सकते हो बंदर जा रहा है। हमारे साइड में तो सभी फसल को खा देते हैं बंदर, कुछ नहीं होता है, और पहाड़ है नज़दीक में तो आ जाते हैं। हमारे गांव में भी बंदर दोस्तों, देख सकते हो कितना सारा बंदर है, दिख रहा होगा आप सबको, सामने कैमरा से दिखाता हूँ आप सभी को। और इधर देखो दोस्तों कितना सारा बंदर है, सब इधर आ गए हैं और बैठे हैं यहाँ पर, देख सकते हो। हमारे गांव देहात में भी आ जाते हैं और पेड़ में चढ़ जा रहे हैं, देख सकते हो बहुत सारा है। इधर एक और आ रहा है, ओ बंदर, बंदर मामा, और उधर दूर में तो जा रहे हैं बहुत सारा। और हमारा घर छप्पर का है तो उसमें भी चले जाते हैं दोस्तों, और पूरा बिखर देता है खपरा को जो उसमें छाए रहते हैं, उसे बार बार बनाकर परेशान हो रहे हैं हम लोग। और दूर में दिख रहा है पहाड़, देख सकते हो। और सावन महीना है तो, सावन माह है तो बहुत हरियाली छा चुका है चारों तरफ, देख सकते हो सुंदर दृश्य और नज़ारा। लगता है आज शाम के पानी गिरेगा वैसा लगता है दोस्तों, बदली तो छाया हुआ है। और दोस्तों चलो मिलते हैं कुछ देर बाद आप सबको। और दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ खेत काम करने के लिए, जो रोपा लगाना है उसी को साफ सफाई करना है, मेरे पार को तीन चीज को, तो मैं जा रहा हूँ खेत, फावड़ा रख लिया हूँ और जा रहा हूँ खेत के साइड में और काम करना है। अभी तो काम करेंगे तभी तो खाएंगे, धान का रोपा लगाएंगे तब से, और अभी तक तो नहीं हुआ है रोपा ही हमारे साइड में दोस्तों, तो जा रहे हैं। और दोस्तों अब खेत पहुंचने वाला हूं मैं, अब देख सकते हो चारों तरफ पूरा हरियाली है, सावन के माह में तो पूरा हरियाली रहता है और बरसात लग गया है तो चारों तरफ घास उग गया है और पूरा हरा भरा हो गया है चारों तरफ। और खेत पहुंचने ही वाला हूं मैं और काम करेंगे खेत में, अभी मैं अकेला हूं तो अकेला वीडियो शूट कर रहा हूँ, और खेत को अभी साफ करना है। मेरे पार्क को देख सकते हो इधर अकेला आया हूँ, खेत में काम करने के लिए, इसी खेत के अभी मेरे पार्क को प्रीति से साफ करना है, खाँचना है इसे इसे फावड़े से, और ब्लॉग पर बने रहो दोस्तों। और दोस्तों काम करते करते पसीना पसीना हो गया पूरा, देख सकते हो आया हूँ उतना टाइम से काम कर रहा हूँ, पूरा पसीना पसीना हो गया। और मिल गया मुझे काम करते करते भालू चारा, आप सबको दिखाता हूँ सामने कैमरा से, ब्लॉग पर बने रहो और देखो भालू चारा कैसा रहता है। भालू खाता है वही, भालू का खाना मिल गया है मुझे और आप सबको दिखाने वाला हूँ। नहीं जानते हो तो ज़रूर देखना, हमारे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अभी मुझे काम करते हुए ज़मीन के अंदर से मिला है भालू का नाश्ता, चलो दिखाता हूँ आप सबको। और देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर है भालू का नाश्ता, यहाँ ज़मीन के अंदर गड़ा रहता है, इसी को खोदता है भालू, पूरे मेड़ को उखाड़ देता है। इधर से काम करते हुए आया हूँ मैं, देख सकते हो यहाँ मेड़ के अंदर में है
यहाँ जमीन के अंदर। यही है भालू चारा, भालू का नाश्ता देख सकते हो। निकाल कर मैं दिखाता हूँ, आप कभी नहीं देखे होगे तो देख लो। चाहे कितने भी अंदर गड़ा रहे, भालू इसे खोद खोद कर निकाल लेता है अपने पेट भरने के लिए। और यही है भालू का नाश्ता, और रात में आता है तो बहुत खोद खोद कर इसे खाता है। ये देखो ऐसा रहता है। इसे खाने के लिए भालू चाहे कितना अंदर भी रहे, मेड़ को पूरा उखाड़ देता है। यही है भालू का नाश्ता, भालू चारा देख सकते हो। यहाँ गड्ढा में था, इसे निकाल लिया हूँ मैंने। ये देखो मैंने निकाल लिया है जमीन के अंदर में से। यही है भालू का नाश्ता देख सकते हो। भालू चारा, भालू का नाश्ता। यह उधर जा रहा है छोटा भाई, खींचते खींचते बांस को। बांस नहीं, वो छोटा सा लकड़ी है, वो भी खेत में काम कर रहा था तो इधर से आया है। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और देखो दोस्तों, बहुत सारा है इधर भालू का चारा। यहाँ पर देख सकते हो जमीन में ऐसा गड़ा रहता है, और इधर भी है बहुत सारा है, ऐसे जमीन के अंदर गड़ा रहता है। और इधर भी है देख सकते हो, भालू आ जाता तो इस मेड़ को पूरा उखाड़ देता। इस बार नहीं आया है तो बचा हुआ है, पता चलेगा तो वो आ जाएगा रात में और उखाड़ कर खा जाएगा। बहुत सारा है इधर भी है, दिखाता हूँ मैं। काम करते करते गया तो सब दिख रहा है मुझे। यहाँ जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ा है दोस्तों, देख सकते हो। भालू आ जाता तो उसका पार्टी हो जाता, पता नहीं रात में आए कि नहीं। अब भालू भी कम है इधर इस साइड में, इसीलिए है यह पूरा ख़त्म कर देता। देख सकते हो अंदर में है, ये तो बहुत बड़ा है दोस्तों, बहुत बड़ा है ये। और दोस्तों फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ब्लॉग पर बने रहो। और ये क्या दोस्तों, क्या देख लिया मैं, देख सकते हो यहाँ भालू कीड़ा भी दिख गया। ये भालू कीड़ा बोलते हैं इसको, भालू कीड़ा देख सकते हो, भालू जैसा है, ऐसे चल रहा है पूरा। यही है भालू कीड़ा, आप कभी देखे होंगे तो कमेंट कर जरूर बताना। देखो भालू जैसा ही है पूरा काला, इसी को बोलते हैं भालू कीड़ा। यह है भालू कीड़ा, भालू के बात कर रहे थे तो भालू कीड़ा भी दिखाई दे दिए हमें दोस्तों, क्या बात है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। देख सकते हो दोस्तों, यही है भालू कीड़ा, भालू जैसा पूरा काला काला, पहचान लो कभी दिखे तो, खतरनाक है ये। भालू जैसा ही है, और कैसा चल रहा है देख सकते हो। और दोस्तों आज के ब्लॉग आप सबको कैसा लगा तो कमेंट कर जरूर बताना दोस्तों। और हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों हमारे वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और मैं तो थक गया इधर, बहुत काम कर लिया आज।
काम करते करते थक गए तो यहाँ पर बैठा हूँ दोस्तों, अब आराम कर लेता हूँ, उसके बाद जाऊँगा घर दोस्तों। और हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और किसी दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे दोस्तों। इतना काम किया हूँ आज, मैं बहुत काम कर लिया, अकेला आया हूँ तो, और धूप भी है तो क्या करें, और ये चप्पल में पूरा माटी लटक गया है देख सकते हो। अब जाएंगे घर साफ सफाई करके, अब तो हो गया आज खेत का काम और चप्पल में दोनों में लटक गया है। और दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए जय जोहार।